हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का चीर परिचित दोस्त आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बच्चेदानी बाहर आने के इलाज लेकर आए हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नए वीडियो हम अपडेट करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूट्रस बाहर आने के लक्षण एवं इलाज लेकर आए हैं। दोस्तों, आप जो हम इलाज लेकर आए हैं, वे आसानी से आपके गांव और खलिहान में मिलने वाला जड़ी बूटी है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, देख लीजिए, यही पौधा है जिसे आप तालम खाना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये पौधा जो है अधिकांश नदियों के किनारे हमेशा खिले रहते हैं, और अगर आपके घर के आसपास में पोखरा है, यानी कि तालाब जहां पर है, वहां भी इसके पौधे हमेशा खिले रहते हैं। दोस्तों, जहां पर नमी रहती है, वहां ही इसके पौधे हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे का नाम तालम खाना है। दोस्तों, आप लोग पहचान लीजिए, ये पौधा अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो इसे आप इनके फल को तोड़ लीजिए। दोस्तों, अगर आप इनके पौधे को नहीं फल निकलते हैं तो आप इसके फल को कहीं से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये जो फल है, ये बच्चेदानी बाहर आने के रामबाण इलाज है। दोस्तों, यानी कि बच्चेदानी आपके क्यों बाहर निकलती हैं, सबसे पहले समझ लें कि बच्चेदानी आने के मुख्य कारण क्या हैं। आप लोग जानते हैं कि बच्चेदानी बाहर जब आती है तो अचानक नहीं आती है, क्योंकि कुछ उसका रीजन होता है, कारण होता है। कि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बच्चेदानी बाहर आने की समस्या यहाँ से उत्पन्न होती है, जब आपके शरीर से धीरे धीरे पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कुछ दिन आप इसका इलाज करते हैं, नहीं ठीक होती है तो आपके पानी की समस्या भयानक रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, आपके बच्चेदानी यानी कि यूट्रस बाहर आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आप लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो आपके डॉक्टर कहते हैं इसे ऑपरेशन करा दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे हालत में आपको ऑपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप अपने शरीर को साफ सफाई से रखें। दोस्तों, विशेष ध्यान आपको देना है, और आपको मार्केट से तालम खाना के बीज को ले लेना है। बीज को खरीद लीजिए और इसे धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद आप इसे सिलवट से पीस दीजिए। दोस्तों, सिलवट पर आप इसे पीस दीजिए, और पीसने के बाद आप इसे किसी भी अच्छे डिब्बे में पैक करें। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, हम जो डब्बा लिए हैं, छोटा डब्बा है, क्योंकि बड़ा डब्बा नहीं है, तो आपको कम से कम 100 ग्राम इसका पाउडर बनाना है। दोस्तों, आपको मार्केट से पंसारी की दुकान से 100 ग्राम लेना है, और इसे पीस कर आपको चूड़ बना लेना है। चूड़ बनाने के बाद आप इसे डिब्बे में अच्छी तरह से पैक करें, और आप इसका सेवन रोज़ाना सुबह शाम खाली पेट, यानी कि आपको भोजन के पहले, दोस्तों एक गिलास पानी नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है, जितना आप पानी पी सकें, क्योंकि ये जो दवा है, आपको पानी में जो आप एक चम्मच डालेंगे तो लबाव बना देती है। तो दोस्तों, इसलिए आपको केवल थोड़ा सा ही पानी डालना है, और उसमें एक चम्मच पाउडर को मिलाकर अच्छी तरह से कम 2 मिनट तक मिलाएं। मिलाने के बाद आप उसे खाली पेट सेवन करें। दोस्तों, ताज़ा पानी रहना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप इसका सेवन करते हैं तो आपके पानी की समस्या भी ठीक हो जाएगी, और जो आपके यूट्रस बाहर आने की समस्या रहेगी, वे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। केवल आप इसका प्रयोग 1 हफ्ते करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की बच्चेदानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।